बसमिल स्टूडेंट्स वेलकम टू सी बी ई एल कन्सेप्ट बेस एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमद अहमद आपका ट्यूटर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी कॉम पार्ट वन की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने चैप्टर नंबर सिक्सटीन दैट चैप्टर इज़ अकाउंट्स फ्राम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं स्टार्ट किया है. आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर फाइव करेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो स्टूडेंट्स ये सच में प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपने इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट में देखना है

होना चाहिए आपने बुक के अंदर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये ढूंढना शुरू कर देना है अगर आपको दोनों में से कोई एक नहीं दिया हुआ या दोनों ही नहीं दिए हुए तो आप दोनों या कोई एक भी फाइंड आउट करना पड़ेगा उसके लिए आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी पड़ेगी उसकी एक साइड पर एसड दूसरी साइड पर लेबिलिटीज लिखते हैं और एसड में से लेबिलिटीज़ माइनस करके आपका ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाता है दूसरी चीज़ आप अपने माइंड में ये रखेंगे कि आपने सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन के अंदर आपने हमेशा प्रॉफिट और लॉस निकालना होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस का और उसको निकालने के लिए हमें ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो अब हम अपने क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं अच्छा तो स्ट्रेंड्स अब हम स्टडी uh, करते हैं क्वेश्चन की तो मिस्टर सलीम हसन कॉमेंड बिजनेस ऑन फर्स्ट 2017 विद अ कैपिटल टू थाउजेंड से समझे को कि एक मिस्टर सलीम हसन है उन्होंने क्या किया बिजनेस को कमेंट किया स्टार्ट किया मींस स्टार्ट किया पीछे वाले क्वेश्चन में भी ये वर्ड आया था कब एक दो जनवरी 2017 को ऑफ रुपीज मतलब कैपिटल कितना उसने लगाया उसमें स्टार्टिंग में ही कैपिटल उसने लगा दिया पचास हजार तो ये कौन सा है ये ओपनिंग कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल की ये पहचान होती है कि अगर आपको ईयर ना दिया हो तो वो जब बिजनेस स्टार्ट किया होता है तब ही वो लगा दिया जाता है आगे बढ़ते हैं ही इमीडिएटली बोरडी ही ही इमीडिएटली ब्रॉड फर्नीचर फॉर रुपीज ट्वेल्व थाउजेंड और उसने उसी टाइम उसी डेट को वन जैन दो हजार सत्रह को उसने फर्नीचर खरीद लिया बारह हजार का आगे बढ़े ऑन फर्स्ट अप्रैल 2017 ही बोर्ड रुपीज थर्टी थाउजेंड फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर नासर विद इंटरेस्ट टेन परसेंट यानी कि उसने क्या किया है उसने वन अप्रैल टू टू थाउजेंड सेवनटीन को यानी कि uh, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है ना उससे तीन माह बाद उस बंदे ने लोन लिया है यानी कि पैसे उधार लिए हैं वो लोन ही होता है अब उसने अपने फ्रेंड से लिया है पीछे वाले कौईसन ने क्वेश्चन में अपनी वाइफ से लिया था कितना लिया है? उसने अपने का। का तो ये, ये तो लुटाना है और उसको उसने कहा है कि भाई जब मैं तीस हजार तुझे वापस करूंगा ना टेन परसेंट इंटरेस्ट भी ऊपर दूंगा अच्छा अब इस क्वेश्चन में आगे नहीं बताया हुआ कि इंटरेस्ट ये नोट पेड या इंटरेस्ट इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप समझेंगे कि अभी तक इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ ठीक है जी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया गया अपनी वाइफ को उस बंदे ने जो अपनी वाइफ से लोन लिया था उसने नहीं था अभी इंटरेस्ट पे किया तो यहाँ पर क्योंकि इंटरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप समझेंगे कि इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ आगे समझे इसके बाद क्या करना है हमने एंड इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल फॉर अमाउंटिंग ऑफ रुपीज नाइनटीन थाउजेंड और उसने फर्दर कैपिटल यानी कि एडिशनल कैपिटल जो है ना नाइनटीन थाउजेंड वो उसने इंट्रोड्यूस करवा दिया साल के अंदर मतलब इसी साल के अंदर उसने क्या किया है फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करवाया यह हमेशा आपको पता है लेस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं ना उसके अंदर आगे पढ़ें एंड विड्रा एंड विड्रा रुपीज एटीन हंड्रेड Expenses, पर मंथ फॉर हिज फैमिली एक्सपेंसेस यानी कि इस बंदे ने ना अपने फैमिली एक्सपेंसेस के लिए ड्राइंग की है विदड्रॉ किया है एटीन हंड्रेड पर मंथ अठारह सौ रुपया पर मंथ के हिसाब से ये ना एक इस साल पूरे ये निकालता रहा है पैसे तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करके ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जब स्टेटमेंट बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें ये एड की जाती है आगे देखें हिज पोजिशन ऑन इकतीस बारह टू थाउजेंडीन थर्टी वन टू थाउजेंड से उसकी पोजिशन वॉज एज फॉलो तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले कैश इन हैंड रुपीज है ट्वेल्व हंड्रेड फिर कैश एट बैंक फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर डेटर्स कितने देखिए स्टॉक दिया हुआ है आपको फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड फिर इसके बाद बिल रिसीवेबल बी आर मीन बिल रिसीवेबलो दिया नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिर सेंड्री क्रेडिट थ्री थाउजेंड एंड रेंट ड्यू इज नाइन हंड्रेड आगे देखें वो कहता है असरटेन प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर कंसीडरिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट वो कहता है अब आप निकालो प्रॉफिट एंड लॉस इस सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन का निकालो लेकिन अब उसने नीचे एडजस्टमेंट अज़े भी दे दी है ऊपर जब हमने चार के चार क्वेश्चन किए हैं कभी भी हमें एडजस्टमेंट्स नहीं आई ठीक है तो आपको एडजस्टमेंट्स आती होती हैं जरा ध्यान से देखें नंबर वन एडजस्टमेंट आपको क्या ये कहता है है कहता डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज चार्ज हमने फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन लेनी है टेन परसेंट नंबर दो एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज रुपीज टेन परसेंट अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है सर ये क्या किस कैपिटल पर इंटरेस्ट लेना है ओपनिंग या क्लोजिंग बताएंगे यही एक मेन पॉइंट है इस पॉइंट को आप समझ गए ना इंशाल्लाह पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया फिर नंबर थ्री देखें कहता है इंटरेस्ट ड्यू uh, uh, वो आपका जो इंटरेस्ट था ना जो आपने लोन लिया था अपने इंटरेस्ट ड्यू वाज अनपेड मतलब वो जो आपने ना मिस्टर uh, नासर से इंटरेस्ट लिया था ना थर्टी थाउजेंड का अब उस को उसने ऊपर नहीं बताया कि इंटरेस्ट उसके ऊपर दिया कि नहीं दिया लेकिन उसने एडजस्टमेंट में बता दिया कि भाई अभी मिस्टर नासर को ना इंटरेस्ट भी देना है तो इसकी भी हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट कर इस एडजस्टमेंट को भी हम ना मतलब हल करेंगे देखेंगे किस तरह सोल्व होना है फिर नंबर फोर एडजस्टमेंट और लास्ट देखें कहता है राइट ऑफ ट्वेंटी राइट ऑफ डेटर्स मतलब डेटर्स में से आपने राइट right ऑफ करना है कितना ट्वेंटी ये आपके क्या है ये आपके बैड डेट्स हैं ट्वेंटी

अच्छा तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे क्लोजिंग कैपिटल की स्टेटमेंट बनाएंगे क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल मलूम करना है वो हमें नहीं दिया हुआ ओपनिंग कैपिटल तो हमें फिफ्टी थाउजेंड दिया हुआ है तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए आप स्टेटमेंट बनाएंगे ऊपर सबसे पहले लिखेंगे स्टेटमेंट uh, मतलब क्लोजिंग कैपिटल के लिए आपको लिखना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ इस्� अफेयर्स नीचे एज ऑन इकतीस बारह दो फिर आपने लिखना एसेट्स रुपीज लबिली प्लस कैपिटल रुपीज एसेट साइड पर आप सबसे पहले हम ना वो पीछे हमने जो क्वेश्चन में पढ़े हुए हैं ना वो तमाम के तमाम आप एसेट्स जो है ना वो पढ़ेंगे तो मतलब उसमें आप देखेंगे तो आप अपनी बुक ओपन कर लें क्योंकि मैं पीछे की तरफ मूव ऑन नहीं कर सकता सबसे पहले आप देखेंगे लिखेंगे जो एसेट साइड पर वो लिखेंगे कैश इन हैंड कितना ट्वेल्व हंड्रेड फिर कैश एट बैंक फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ये भी आपका एसेट है फिर सेंडरी डेटर्स इनर कॉलम में इसके अमाउंट लिखेंगे ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड इसमें से आप लेस करेंगे बैड डेट्स बैड डेट्स सर कहाँ पर दिए हुए हैं एडजस्टमेंट के अंदर दिए हुए हैं बैड डेट्स वो आपने हमेशा लेस करनी है हमेशा लेस करने हैं आपने बैड डेट्स कितने हैं 2800 तो 28800 में से माइनस करें 2800 तो आपके पास आएगा आंस 26000 ये आपने बाहर रुपीज़ के कॉलम में लिख देना है एसड के अंदर ठीक है जी फिर उसके बाद क्या है आपके पास स्टॉक फोर्टी आप इसको फर्नीचर फर्नीचर की अमाउंट कितनी थी वो थी ट्वेल्व थाउजेंड इनर कॉलम में लिखेंगे अंदर लिखेंगे और इसके ऊपर भी एक एडजस्टमेंट दी हुई थी एडजस्टमेंट नंबर वन के आपने डेप्रिसिएशन लेनी है फर्नीचर पर टेन परसेंट तो आपने टेन परसेंट डेप

उसको आपने क्या किया रिकॉर्ड किया अब इस लोन के ऊपर आपको पता है एक एडजस्टमेंट नंबर थ्री जो आपको दी हुई थी ना वो दी हुई थी कि भाई इंटरेस्ट भी अभी अनपेड है तो इसका इंटरेस्ट भी अब पे कर दें वो भी आपके ऊपर लाइबिलिटी है ड्यू है वो भी आपने पे करना है तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन कितना था लोन के ऊपर इंटरेस्ट कितना था जी टेन परसेंट था इंटरेस्ट वो ऊपर ही उसने बता दिया था अब ये देख लेते हैं लोन हमने लिया इस साल के किस मंथ में फर्स्ट अप्रैल को लिया 2017 टू थाउजेंड सेवनटीन में तो फर्स्ट अप्रैल मींस हमने कितने मंथ यूज किया होगा हमारा ईयर एंड कब कर रहा है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवनटीन को तो मंथ गिनने आपके टोटल नाइन मंथ बनेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर ये टोटल नाइन मंथ बनेंगे तो आपने क्या करना है आपने लिख रहा है थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व तो अमाउंट आएगी टू टू फाइव जीरो तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये थर्टी थाउजेंड जो नजर आ रहा है आई थिंक सो ये थ्री थाउजेंड लिखा गया आप ना एक जीरो बढ़ा लीजिएगा ये गलती से मिस प्रिंटेड हो गया या लिखने में मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर आपने क्या करना है एक जीरो जो है ना वो बढ़ा लेना है ये थ्री थाउजेंड नहीं है ये थर्टी थाउजेंड है ठीक है अब टोटल ना कर लें दोनों साइड्स का बड़ी वाली साइड कौन सी है वो है एसड साइड तो उसका टोटल करें तो आएगा वन लैख फोर थाउजेंड वन लैख दोनों साइड 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 पर इसको लिख दें दें और में से से को कर दें। तो जब आप कितना आएगा वो आएगा सिक्सटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज सिक्सटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अब आपने क्या करना है अब आपने ये करना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनानी है तो नीचे अब आ जाए स्टेटमेंट लिखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिड इकतीस बारह दो हज़ार सतारह फिर उसके बाद यहाँ पर कोई फॉर्मेंट नहीं बनता आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कैपिटल एट द एंड ये लाइन लिख सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल ये लाइन लिख सकते हैं यहाँ आप लिख सकते हैं कैपिटल ऑन इकतीस बारह दो हज़ार सत्रह ये भी लिख सकते हैं तो कितना था सिक्सटी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग ड्राइंग कितनी है आपकी ड्राइंग आपके पास है 1800 पर मंथ थी तो एटीन हंड्रेड को मल्टीप्लाई ट्वेल्व कर ले अमाउंट आपके पास आएगी अमाउंट आपके पास आएगी ट्वेंटी तो इसको जरा आप ऐड कर लें ऊपर जो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट है तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी इसको जमा करने के बाद एन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अब आपने क्या करना है लेस करना है वो जो फर्दर कैपिटल एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया था 19,000 उसको लेस कर दें तो 89,450 रुपीस में से लेस करें 19,000 तो आपके पास आएगा 70,450 रुपीस इसको नेम दे देंगे हम एडजस्टेड कैपिटल का डन हो गया ना अब नेक्स्ट आपने करना है लेस ओपनिंग कैपिटल को तो लफज लिख दें 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 चाहे 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 ओपनिंग कैपिटल 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 लिख लिख एट स्टार्ट ऑन देखते तो कितना था वो था वो थाउजेंड तो सेवन हंड्रेड एंड अमाउंट आएगी आपके पास अमाउंट आएगी ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अब आपने यहां पर जब आप ना फर्स्ट फोर क्वेश्चन करते रहे हैं ना तो यहां तक ये यह आपका जवाब हो जाया करता था लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक एडजस्टमेंट अभी रहती है वो है एडजस्टमेंट नंबर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन porcentaje यही चीज तो आपको समझानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा की वैल्यू को भी लेस करते हो और अमाउंट आपके पास एक आ जाती है ना जैसा कि ये आ गई है ट्वेंटी थाउजेंड तो इसमें से भी आप लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर आपके पास प्रॉफिट या लॉस आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन का तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने

सबसे पहले नीचे देखें आप लिखेंगे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन परसेंट था फिर आपने नीचे लिखना है फिफ्टी थाउजेंड जो कि ओपनिंग कैपिटल था फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन डिवाइडेड बाय हंड्रेड आपके पास आएगा फाइव थाउजेंड इनर कॉल में आपने अंदर लिखना है उसके साथ सामने लिख दीजिएगा

परचेज किया है ना बोरो किया है ए, लोन बोरो किया थर्टी थाउजेंड का तो वो भी उसने वन अप्रैल को परचेज किया है और साथ ही उसने कह दिया कि मैंने एक अप्रैल को दो काम किए हैं एक तो मैंने अपने फ्रेंड से तीस हजार का लोन लिया है और दूसरा मैंने फर्दर कैपिटल भी इसी डेट को इंट्रोड्यूस करवाया है आप पीछे क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा एंड का लफ्ज लिखा हुआ है साथ ठीक है जी तो इसका मतलब है ये जो 19,000 का फर्दर कैपिटल था ना ये भी उसने कब इंट्रोड्यूस करवाया कब अपने बिजनेस में लगाया फर्स्ट अप्रैल 2017 को तो इसलिए ये भी नाइन मंथ ही बनते हैं तो आपने क्या करना है नाइनटीन तो थाउजेंड मल्टीप्लाई बाई टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई तो आपके पास अमाउंट आएगी फोर्टीन हंड्रेड आपने इसको एड कर लें फाइव और फोर्टीन uh, को यानी कि वन

जमा में जवाब आएगा कैलकुलेटर से तो इसलिए आप इसको लिख देंगे कि ये प्रॉफिट आ गया आपके बिजनेस का तो याद रखिएगा जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ये काम लाजमी होगा स्टूडेंट्स ये अक्सर स्टूडेंट्स को भूल जाता है आपने इसको बोलना नहीं है तो यहाँ पर ये यह क्वेश्चन आपका एंड हो गया आई होप सो आपको समझ में आया होगा अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछिएगा इन आपको बताया जाएगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी आपने शेयर करना क्योंकि इस चैनल का बेसिकली मेन मोटिव ही ये है कि आपको आसान लैंग्वेज के अंदर आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए और इसके अलावा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करने के अलावा वीडियोज़ को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें क्योंकि ये चैनल ना सिर्फ आपको क्वेश्चन करवाता है बल्कि आपकी पेपर पेयरिंग स्कीम आपको नोट्स आपको ऑनलाइन क्लास हर चीज प्रोवाइड की जाती है विद सॉल्यूशन तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी अल